नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड की एवर ग्रीन ब्यूटी रेखा जितना अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए जानी जाती हैं उतनी ही सुर्खियों में रही है उनकी लव स्टोरी। रेखा की निजी जिंदगी के बारे में लोग जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा और अनसुना जानने को मिलता है। रेखा जब इंडस्ट्री में आई तो उनके साथ ही किस्से और विवाद भी चले आए। हालांकि रेखा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिल्मी दुनिया में रेखा की लाइफ को लेकर काफी बातें होती थीं। रेखा की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही एक अनसुनी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन के आने से पहले एक और शख्स की एंट्री हुई थी। उस शख्स का नाम जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि रेखा जब फिल्म उमराव जान की शूटिंग कर रही थी तब उनकी जिंदगी में सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान के दत्तक पुत्र साजिद खान की एंट्री हुई। साजिद खान को महबूब खान ने गोद लिया था और आप साजिद खान को फिल्म मदर इंडिया में एक छोटे से रोल में देख भी सकते हैं। साजिद खान बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे। महबूब खान ने साजिद को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था और जब साजिद लौटे तो वो एक क्वालिफाइड शानदार पर्सनालिटी वाले शख्स में तब्दील हो चुके थे। रेखा ने जब साजिद खान को देखा तो वो उनको देखती ही रह गईं और उनका दिल साजिद खान पर आ गया। इसके बाद बॉलीवुड पार्टीज में रेखा और साजिद खान को एक साथ देखा जाने लगा। साजिद खान की बात करें तो उनका जन्म मुंबई की झोपड़पट्टी में हुआ था, लेकिन जब महबूब खान ने उनको गोद लिया तो उनकी जिंदगी बदल गई। महबूब खान ने साजिद को मदर इंडिया में छोटे बिरजू के रूप में पेश किया और उनको काफी पसंद किया गया। मदर इंडिया के बाद भी साजिद ने कई सारी फिल्में की जिसमें कुछ अंग्रेजी फिल्में भी शामिल थीं। रेखा और साजिद कुछ सालों तक कपल के तौर पर मीडिया में मशहूर हुए और फिर इसके बाद उनका अलगाव हो गया। कहा जाता है कि साजिद की जिंदगी में कोई और आ गया था और रेखा भी इस रिश्ते को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गईं। हाल ही में 70 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए साजिद खान का निधन हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।